इस साइड है राजघाट, महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। भरी दोपहरी, भरी धूप, भरी गर्मी के बीच अभी मैं आया हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली। तो आज मैं आपको राजघाट पूरा दिखाऊंगा, महात्मा गांधी की समाधि में अंदर क्या क्या है सब कुछ मैं दिखाऊंगा। ये पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे ये राजघाट है। तो चलो चलते हैं, पूरा राजघाट देखते हैं अंदर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल कलर का बटन है नीचे, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं राजघाट के अंदर। यह है राजघाट का मेन एंट्री गेट। इसी गेट से अंदर को जाते हैं। ये खुलने का समय सुबह 5:30 से 6 बजे तक है गर्मियों में। और इसमें अंदर जाने के टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है, निःशुल्क है, कोई टिकट नहीं लगता है। जैसे अंदर को बढ़ेंगे गेट से महात्मा गांधी की समाधि की ओर, दोनों ओर बहुत सारे गमले लगाए गए हैं जिसमें पेड़ वगैरह पौधे वगैरह लगाए गए हैं, हरियाली है चारों तरफ। और बीच बीच में सफ़ेद कलर के बोर्ड दिख रहे होंगे आपको, वहाँ पर महात्मा गांधी के प्रवचन अमृत वाणी लिखी गई है हर बोर्ड में। इस प्रकार से लिखी गई है, मनुष्य की सच्ची पहचान उसके हार्दिक विनय से होती है। अगर आप गर्मी के मौसम में महात्मा गांधी समाधि राजघाट घूमना आना चाहते हैं तो दोपहर में बिल्कुल भी ना आएं, जैसे कि मैं दोपहर में आके गलती कर गया, बहुत गर्मी है। आप शाम को आएं या सुबह सुबह आएं। यहाँ आने के बाद अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल यहाँ पर जमा कराना होता है, ये बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। अपने रिस्क पे जूते चप्पल यहाँ जमा कराने के बाद यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं। देख सकते हैं ये पीछे महात्मा गांधी जी की समाधि। अभी मैं पहुँच चुका हूँ महात्मा गांधी जी के समाधि के बिल्कुल करीब। जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, अंतिम समय में उनके मुँह से 2 शब्द निकले थे, वो शब्द क्या है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यह है महात्मा गांधी जी की समाधि। यहाँ पर दीपक ज्योत जलता रहता है, आंधी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा 24 घंटे यहाँ एक दीपक जलता है, ज्योत जलता है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ लिख रहा है हे राम, ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिख रहा है हे राम। तो महात्मा गांधी जी का जब मृत्यु हुआ था, अंतिम समय में उनके मुँह से जो ये शब्द निकले थे, ये 2 शब्द थे हे राम। ये महात्मा गांधी जी के समाधि के चारों तरफ हरियाली है, गार्डन है, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, बिल्कुल घास के गलीचे की तरह पूरे पार्क में हरियाली है। ये दिल्ली के जो रेड फोर्ट है, लाल किला, उसके ठीक पीछे पड़ता है ये महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट। आप यहाँ आने के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं, या DTT बस या अपनी गाड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है, पार्किंग फीस भी नहीं लगता और एंट्री फीस भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। चारों तरफ का दृश्य देखेंगे आप तो बिल्कुल हरियाली है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। पार्क का नज़ारा एक बार देखिए, जैसे किसी ने बिल्कुल हरा भरा गलीचा बिछा दिया हो, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का। ये पावर हाउस का चिमनी है जिससे धुआं निकलता, अभी ये पावर हाउस बंद है। देखिए ये सुंदर नज़ारा मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। सर्दियों में तो आप भले ही दोपहर में आएँ, लेकिन गर्मी में दोपहर में घूमने के लिए ना आएँ, बहुत गर्मी होती है। मई जून जुलाई अगस्त में दिल्ली का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो उस तापमान को देखते हुए आप दिल्ली में आएँ तो शाम के समय आएँ घूमने के लिए। इस राजघाट में आएँ तो शाम के समय या सुबह सुबह आएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। उनकी जीवनी के बारे में सब कुछ इस बोर्ड पे लिखा गया है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इस बोर्ड में। और राजघाट कहाँ पर बना हुआ है उसके बारे में भी इस बोर्ड में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इस वीडियो को प्यूज करके आप देख सकते हैं। अब मैं बाहर आ चुका हूँ राजघाट से, सारा नज़ारा अंदर का दिखाया आपको। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।